अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शुक्रिया। तो जी अभी घर का सारा काम हो चुका है, अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास क्योंकि मुझे निकली है एलर्जी। अब करेंगे इंजेक्शन, सुबह सुबह इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मेडिसिन खाई थी लेकिन फ़र्क नहीं हुआ। एक्चुअली कल मैंने खेत में ना बहुत ज़्यादा काम किया तो वहाँ मैं बैंगन भी उठाए तो वहीं से मुझे शायद एलर्जी हो गई है बहुत ज़्यादा, एज मेरी स्किन सेंसिटिव है एंड आई एम वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन। सो रात भर बहुत ही परेशानी हो गई, मुझे पूरी बॉडी पे एलर्जी हो रही है। मेडिसिन दी थी हस्बैंड ने लेकिन इंजेक्शन के बगैर काम नहीं चलेगा। सो चलते हैं अभी हॉस्पिटल। हस्बैंड बोल रही थी कि आपको कोई डेक्सोना इंजेक्शन लगानी है तो उसी से फ़र्क हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, यहाँ से पुदीने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये है एक हाथ और ये है एक हाथ, दोनों हाथों पे इसलिए है क्योंकि एक हाथ में मतलब मुझे हमेशा प्रिक दो लगते हैं क्योंकि वेन इनको नहीं दिखती है। तो पहले इसने किया फिर दूसरे हाथ को पकड़ा। मैंने भागने की कोशिश बहुत की लेकिन हॉस्पिटल वालों ने खुद ही नहीं छोड़ा। इस बार चार बंदे आ गए, वेन चेक की, अब हो गया इंजेक्शन। तो अब मेडिसिन लेंगे, चलते हैं घर। अस्सलामुअलैकुम। तो जी ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन। अभी मैं हूँ गाड़ी में, सुबह के बजे है 5। फिर ना जब मुझे मैं हॉस्पिटल से आई फिर मुझे वापस रिएक्शन हो गई, एलर्जी हो गई बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप, ऐसे नहीं लग रहा अभी, ये देखिए बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई मुझे। ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी बॉडी पे हो गई। तो फिर हम रात को 11 बजे गए फिर से हॉस्पिटल, बड़गाम हॉस्पिटल, इंजेक्शन किया। लेकिन फिर घर पहुंची वापस बहुत ज़्यादा, और रात में भी मुझे हार्ट बीट ना तेज़ होने लगी, मतलब पूरा फेस भी स्वेल हो चुका था, सर इवन मेरे सर में भी निकली थी एलर्जी। तो जी फिर ना मुझे रात के 3 बजे जाना पड़ा वापस हॉस्पिटल। लेकिन हम गए वहाँ फिर SMHS हॉस्पिटल, तो बच्चों को घर पे, जब पहले बड़गाम हॉस्पिटल गए तो बच्चे घर पे अकेले थे, रूम में सो रहे थे। और फिर क्या हुआ, 3 बजे मुझे वापस SMHS हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि क्रिटिकल बहुत थी मेरी कंडीशन। तो अभी वहाँ पे और इंजेक्शन 2 लगाए और 10 दिनों के लिए मेडिसिन दी। और मेरी पाल्पिटेशन भी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी तो उसके लिए अलग से मेडिसिन दी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब थोड़ा दूर जाना था हमें, इसलिए ना मैंने सौद बेबी को साथ में उठाया था। ये देखिए ये अभी भी सो रहा है नीचे मामा, उसको हमने ऐसे उठ, क्योंकि ये फिर डर जाता घर में अगर जाग जाता रात में। तो इब्राहिम तो घर पे ही है। अब ये हस्बैंड ने मेडिसिन भी ले ली है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं रोटी। ये देखे वो रोटी का वेट कर रहे, वहाँ पे भीड़ लगी है। ऐसे घर में आज नहीं बना सकती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और एलर्जी भी है, तो कैसे बनाऊँगी रोटी। अब हम लाएंगे मार्केट से ही रोटी। तो जी रोटी आ गई है, ये देखे। और आज की व्लॉग में बस इतना ही। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई मुझे, बहुत ही मतलब 3-4 इंजेक्शन करने पड़े मुझे एक साथ। तो मे बी अब जो दूसरा व्लॉग है वो थोड़ा लेट आ जाए, तो इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, अपना पूरा ख्याल रखें, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।